हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट मैंने करवाया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना है, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड्स इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन डायगोनल्स इट्स आर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स। रोम्बस के केस में ये केस होता है, जब रोम्बस जानते हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि एक रोम्बस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ऑल साइड्स का इक्वल होता है, वो रोम्बस कहलाता है। बट इसमें क्या है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला भी हम लोग जानते थे कि एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। बट इसमें डी वन मतलब एक डायगोनल्स दिया हुआ, दूसरा डायगोनल्स नहीं दिया हुआ है। और ये रोम्बस जो है उसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है। एल्टीट्यूड और साइड अगर दिया हुआ है तो वो एक केस हो जाता है, स्पेशल केस हो जाता है पैरेललोग्राम्स का, ये हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डायगोनल जो है उसको हम एक्स मान लेते हैं। इसमें लेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बी एक्स। नेक्स्ट क्या होगा कि हम उसको लिख सकते हैं, ए रोम्बस इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ये एक केस हो जाता है जब ये एल्टीट्यूड उसका दिया हुआ रहे। अब इसमें तो अगर पैरेललोग्राम्स बन रहा है, रोम्बस भी क्या है, एक रोम्बस है जो पैरेललोग्राम के तरह है, तो हम पैरेललोग्राम्स का क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, एल्टीट्यूड का हो जाएगा। इसमें तो रोम्बस का हम जानते हैं, पैरेललोग्राम्स का द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ग्राम्स रोम्बस या रोम्बस पैरेललोग्राम्स या रोम्बस इसको बोल सकते हैं। तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस 6 रखेंगे सेंटीमीटर साइज, एल्टीट्यूड जो होता है वही हाइट हो जाता है, तो वो 4 सेंटीमीटर रख देंगे, 24 सेंटीमीटर। इससे क्या आएगा आपको, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस के बाद हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू डी वन डी टू, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। तो इसमें हम एरिया पता है मुझे 24 सेंटीमीटर अभी निकाल लिए। अब इसमें हाफ इंटू एक डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल जो हम एक्स माने हैं, तो एक्स 8 × x हो जाएगा। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो एक इस तरह से एक्स, ये जो 6 सेंटीमीटर आया ये आपका अदर डायगोनल, दूसरा जो डायगोनल से वो आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये था 6। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। एक फ्लोर ऑफ पेंसिल बिल्डिंग है, उस पर क्या है, टाइल्स लगा हुआ है जो किस टाइप से है, तो रोम्बस का टाइप से है। और कितना टाइल्स है, 3000। ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दोनों का डायगोनल, एक जो टाइल्स का जो शेप है वो टाइल्स का जो शेप है वो पता है आपको क्या है, रोम्बस के तरह है, रोम्बस के तरह है। तो टाइल्स के शेप को हम क्या करेंगे, और उसका डायगोनल दिया हुआ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इट इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। कॉस्ट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का, कितना है, 4 रुपीज। तो आपका जो एरिया निकलेगा रोम्बस का, टोटल 3000 जो रोम्बस है आपके पास, रोम्बस टाइल्स है, उसका जो एरिया निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका कॉस्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है हाफ इंटू डायगोनल्स का, डायगोनल्स दोनों दिया हुआ है, ऐसे 45 × 30 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई करके इसको इवेलुएट करेंगे तो आएगा 675 सेंटीमीटर
675 मीटर। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो एक टाइल्स का एरिया निकला 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब हमको 3000 टाइल्स का निकालना है एरिया। तो इसमें 3000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में अगर लिखते हैं तो इसको आता है 225,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये जो आपका कॉस्ट दिया हुआ है ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 202.5 मीटर आ जाएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर एरिया का क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपीज में आएगा, 810 रुपीज। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द फ्लोर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्वेश्चन नंबर 6, 7, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे। मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड्स अलोंग द रोड इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,005 मीटर स्क्वायर एंड द पैरामीटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स अलोंग द रिवर। रिवर का तरफ क्या है उसका साइड, तो इसमें कह रहा है कि ये एक जैसे इस तरह का कोई फिगर दिया हुआ है जिसमें एक साइड रिवर है, रिवर के तरफ का जो पैरेलल साइड है रोड है, तो रिवर के तरफ का मतलब रोड के तरफ के रिवर के तरफ दुगना साइड है। अगर इधर साइड ए है तो इधर 2A है, मतलब इस टाइप का कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है और इस दोनों पैरेलल लाइन का जो हाइट मतलब डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है, इसका एरिया दिया हुआ, इसका पूछा जा रहा है कि साइड के तरफ फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर साइड, रिवर के साइड के तरफ कितना लेंथ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई ट्रेपेजियम टाइप का शेप रहे, ये क्या है ट्रेपेजियम टाइप का शेप दिया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमको इसमें दिया हुआ क्या है कि एरिया दिया हुआ है, यहाँ जो एरिया निकालते हैं वो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, लेकिन सम ऑफ पैरेलल साइड नहीं हुआ। तो इससे क्या करेंगे, कोई एक साइड अगर रोड के साइड हम मान लेते हैं x, तो इस तरफ 2x हो जाएगा, दोगुना है उससे, इस तरह से वैल्यू, और उसके बाद दोनों को सम करके उसका जब एरिया दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रोड बी l मीटर। हम L मान लेते हैं यहाँ पे कि जिस तरफ रोड है उस तरफ हम L मान लेते हैं मीटर, तो रिवर साइड में 2L हो जाएगा, 2L मीटर हो जाएगा। इसी तरह है द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग विद द रिवर 2L मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एरिया दिया हुआ आपका 10,005 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2, हाइट आपको 100 है मल्टीप्लाई में लिखेंगे और लेंथ दोनों को सम L प्लस 2L दोनों को सम कर देंगे तो 3L हो जाएगा। 3L को हम क्या करेंगे, 3L यहाँ पे इस तरफ कर लेंगे, बाकी सबको कैलकुलेशन करेंगे तो L का वैल्यू आएगा 70 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स अलोंग विद द रिवर। हमको L का वैल्यू आया 70, L हम रोड के तरफ का लेंथ को मापे थे, तो 2L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 70 144 मीटर 140 मीटर
तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, 140 मीटर। 140 मीटर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऑक्टागोनल है, इसका हम देखते हैं। तो टॉप सरफेस ऑफ ए राइज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन कहने का मतलब आपका जो भी ऑक्टागोन बना हुआ है, इस तरह से जो ऑक्टागोन बना हुआ है, उसका साइड सब क्या है, इक्वल है, जो इसमें लाइन सेगमेंट लिया गया है। एज सोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। इसका सरफेस निकालना है। सरफेस निकालने के लिए हम पहले देखेंगे कि ऑक्टागोन में क्या क्या दिया हुआ है। इस फिगर में दिया हुआ है आपका, ऑक्टागोन में दिया हुआ है, ऑक्टागोन में एक दिया हुआ है आपका, इस तरह से कोई भी साइड का 1 का 5 मीटर अगर दिया हुआ, तो सभी साइड का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 5 मीटर। और एक हाइट दिया हुआ है, जो इस पे परपेंडिकुलर टाइप से कुछ बना हुआ है, वो 4 मीटर दिया हुआ है। और दोनों के बीच ये जो है, अगर हम इसका नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो एच और सी का वैल्यू 11 मीटर है दिया हुआ। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको ऑक्टागोन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका हम 3 भाग में बांटेंगे इस फिगर को। एक ऊपर का जो भाग है, ये ए बी सी एच, ये एक ट्रिपिजम है, कुछ इस तरह से बन रहा है। और दूसरा जो पार्ट है वो एक रेक्टेंगल्स बन रहा है, और तीसरा जो पार्ट है इसी का एक ट्रिपिजम टाइप का बन रहा है, इस तरह का। तो एक ट्रिपिजम और दो ट्रिपिजम, दोनों ट्रिपिजम सेम है क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है, और बीच में एक रेक्टेंगल्स टाइप का बन रहा है। तो ये 11 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ है, तो 11 × 5 रेक्टेंगल का हो जाएगा। और ट्रिपिजम का हम हाइट, ये दिया हुआ परपेंडिकुलर जब है तो यही हाइट होगा, और पैरेलल साइड 11 है ये, और ये 5 है। तो इससे हम इस तरह से हम बनाएंगे इसको, इससे बनाएंगे कि साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रिपिजम, यहाँ क्या है, एरिया ऑफ ट्रिपिजम ए बी सी एच जो ट्रिपिजम है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपिजम डी, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ट्रिपिजम इक्वल है, इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालेंगे, 1/2 × 4 × 11+5, ये पैरेलल साइड हो गया, सम कर लेंगे, आएगा 32 मीटर स्क्वायर। अगर एक ऊपर वाला ट्रिपिजम का आ गया 32 मीटर स्क्वायर, और नीचे वाला भी सेम है तो इसका भी 32 मीटर स्क्वायर। अब बीच में रेक्टेंगल्स है, बीच में क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच जी डी सी, इसका वैल्यू क्या है, 55 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोन, एरिया ऑफ ऑक्टागोन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिपिजम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ ट्रिपिजम डी ई एफ जी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल एच जी डी सी। तो ये तीनों का वैल्यू निकला है 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 55 मीटर स्क्वायर, ऐड करेंगे 119 मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही है, आगे नेक्स्ट।